अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में चिकन मायो गार्लिक रोल। तो आइए चलते हैं, मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 कप आटा लिया है, जिसको मैंने 1 चम्मच नमक डाल के गूंद लिया है। जिसे हम रोज़मर्रा में गूंदते हैं, इसी तरह मैंने गूंदा है। और यहाँ पर मैंने 400 ग्राम चिकन लिए, चिकन मैंने बोनलेस लिए क्यूब की शेप में। 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च लिए, 2 चम्मच यहाँ पर मैंने टिक्का मसाला लिया है, 1 कप मैंने दही लिया है, 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच मैंने सिरके के लिए हैं, 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। मायो गार्लिक सॉस तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। मायोनीज लिए मैंने 1/4 कप, लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1/2 चम्मच, सिरका लिया है मैंने 1 चम्मच, नमक लिया है मैंने 1/2 चम्मच। चिकन मैरिनेट करने के लिए मैंने एक बाउल में दही ऐड कर लिया है, पीसी लाल मिर्च डालूँगी, टिक्का मसाला जाएगा, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, आखिर में नमक जाएगा। इसके बाद सिरका ऐड करूँगी 2 चम्मचे। इसके बाद मैं चिकन ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इन तमाम मसालों के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। यहाँ हमने ले लिए कढ़ाई, इसके बाद मैं 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालूँगी और यहाँ पे हम अपने चिकन को कुक करेंगे। मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें शामिल कर दूँगी। अब हमें इसको 10 मिनट तक ढकना ढककर कुक करना है। और यहाँ पर हमारी चिकन 10 मिनट के बाद अच्छे से कुक हो गई थी और मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, वो पार्ट मुझसे मिस हो गया है। बस हम यहाँ पर लास्ट में जब हमारी इस चिकन अच्छे से कुक हो जाए तो हम इसे स्टीम दे देंगे। यहाँ पे एक कोयला मैंने ले लिया, जिसको मैंने स्टीम दे लिया है। इसके बाद मैं कोयला रखूँगी एक प्याली प्लेट में छोटी सी, इस पर 1 चम्मच में ऑयल डालूँगी और इसको ढक दूँगी। अब यहाँ पर हमारी चिकन का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पे हम मायो गार्लिक सॉस तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिए 1/2 कप मायोनीज, 1/2 चम्मची नमक, 1 चम्मची लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच मैंने सिरका लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी करूँगी। यहाँ पे हमारी तैयार है मायो गार्लिक सॉस। अब मैं पराठों की तैयारी करती हूँ। सबसे पहले मैंने हाथ में खुश्क आटा लगाया है और मैंने इस तरह के पेड़े बना लिए हैं, इसी तरह सारे पेड़े बनाएंगे। यहाँ मैं 4 पेड़े बना रही हूँ।
अब मैं इसको हल्के हल्के बेलूंगी। और इसमें ब्रश की मदद से घी लगाऊंगी, हल्का सा घी लगाऊंगी ब्रश की मदद से, और इसके ऊपर से खुश्की लगाऊंगी। इसको कट कर लूंगी। अब इसे कट लगाएंगे और रोल करते जाएंगे। एक पेड़ा हमारा यहाँ पर तैयार हो गया है, और इसी तरह से हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। इसी शेप में हम करेंगे। मैंने चार पेड़े बना लिए हैं। अब एक एक को लेके मैं पराठा तैयार करूंगी। सबसे पहले हम एक पेड़ा लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस करेंगे, और अब इसको बेल लेंगे। ये मैंने बेल लिया है, और सारे पराठे हमें इसी साइज़ के बनाने हैं। गरम करेंगे, सबसे पहले पैन गरम करेंगे। अब पराठे को पैन में डालेंगे। जब हमारा पराठा अच्छे से सीख जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, और हम बुरिश की मदद से इस पे घी लगा देंगे। दोबारा हमने इसकी साइड चेंज कर दी। अब इस साइड भी हम घी लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे हमारा पराठा रेडी हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। इस पे भी इसी तरह बुरिश की मदद से घी लगाएंगे, और हम प्लेट में निकाल लेंगे। हम सारे पराठे इसी तरह बना लेंगे। सॉस भी हमारी तैयार है, पराठे भी हमारे तैयार हैं, चटनी भी हमारी तैयार है, प्याज भी मैंने यहाँ पे कट कर ली, और यहाँ पे चिकन भी हमारी तैयार है। अब मैं रोल तैयार करूँगी। रोल तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने बटर पेपर लिया है, इसके ऊपर मैंने पराठा रखा है, और इसके चारों तरफ मैं हरे धनिए की चटनी लगाऊँगी जो मैंने घर में तैयार की है। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ज़ीरा और लहसुन की इसके चारों तरफ मैं चटनी फैला दूँगी सही से। रोल में इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फिर इसके साइड में मैं चिकन की बोटियां रख दूंगी जो मैंने तैयार की थी। इसके बाद में प्याज रखूंगी। फिर प्याज रखने के बाद इसके ऊपर मायो गार्लिक सॉस जो मैंने रेडी की थी वो लगा दूंगी।
और सॉस अच्छे से लगाने के बाद मैं इसको बटर पेपर में रैप कर दूंगी। और यहाँ पे हमारा मज़ेदार चिकन मायो रोल तैयार है और बटर पेपर में अच्छे से रैप कर दूंगी। चिकन मायो गार्लिक रोल तैयार है। इसको बटर पेपर में अच्छे से रैप करूंगी। और ये देखें कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है। इसको पीछे से फोल्ड कर दूंगी ताकि हमारा रोल खुले नहीं। इसी तरह मैं दूसरा रोल भी इसी तरह तैयार कर लूँगी। पराठे के ऊपर चारों तरफ में चटनी लगाऊंगी और इसी तरह मैं चिकन की बोटियाँ लगा दूंगी। साइड में प्याज रखूंगी। सॉस रखूंगी और इसी तरह मैं सारे रोल तैयार कर लूंगी। और इसी तरह मैंने यहाँ पे दूसरा रोल भी तैयार कर लिया है। और यहाँ देखिए हमारे रोल कितने अच्छे बने और कितना खूबसूरत लग रहा है रोल। और ये बहुत टेस्टी बना है। ये रोल बाहर के मुकाबले में घर में बहुत मज़ेदार बने हैं। आप बाहर का रोल खाना भूल जाएंगे, इतने मज़ेदार घर में बने हैं। और घर वाले सब तारीफ़ कर रहे थे इसको खाकर। ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पे मैंने सारे रोल रेडी कर लिए हैं और ये इसका फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस और बाहर से भी ज़्यादा मज़े के बने हैं। आप मेरे कहने से अपने घर में इसको बनाएं, गरम गरम खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इस मज़ेदार रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है। ये थी मेरी मज़ेदार सी चिकन मायो गार्लिक रोल की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे से कमेंट करें। इसी तरह मैं आपके लिए मज़ेदार रेसिपी लेकर आती रहूँगी। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी मज़ेदार रेसिपी लेकर आती रहूँ। चले मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।